बिग बॉस के कंटेस्टेंट के वोटिंग में आया सबसे बड़ा उलटफेर। जी हां, आपको बता दें कि वोटिंग को लेकर एक लेटेस्ट और बड़ी अपडेट लेकर हम आपके सामने आ गए हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस वक्त एलविश यादव के साथ साथ पांच और कंटेस्टेंट घर से बेघर होने के लिए पूरी तरह से नॉमिनेट हो चुके हैं और इनमें से किसी एक कंटेस्टेंट का इस हफ्ते पत्ता साफ भी हो जाएगा। ऐसे में आपको बता दें कि आज की वोटिंग में एक बहुत बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। एक ऐसा उलटफेर जिस पर यकीन करना काफी मुश्किल हो रहा है। ऐसे में क्या आपका फेवरेट कंटेस्टेंट कहीं इस हफ्ते एलिमिनेट नहीं होने वाला? क्या है पूरी खबर, चलिए आपको बताते हैं। लेकिन इससे पहले, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी के निशान को जरूर दबा दें। तो सबसे पहले आपको बता दें कि एलविश यादव के साथ पांच और कंटेस्टेंट घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट हैं, यानी कुल छह कंटेस्टेंट इस हफ्ते घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट हो चुके हैं और इनमें से किसी एक कंटेस्टेंट को इस हफ्ते घर को छोड़कर भी जाना होगा। तो चलिए आपको रैंकिंग बताते हैं और सबसे बड़ा उलटफेर भी बताते हैं। बात करें अगर आखिरी नंबर के कंटेस्टेंट की, यानी छठे नंबर की, जिसे सबसे कम वोट मिल रहे हैं, तो वो है जैड। जी हाँ, जैड को सबसे कम वोट मिलते हुए नजर आ रहे हैं। बात करें अगर पांचवें नंबर पर कौन है, तो पांचवें नंबर पर है फलकनाज। जी हाँ, जैड और फलकनाज दो ऐसे कंटेस्टेंट हैं जो पिछले दो से तीन हफ्तों से आखिरी पर बने हुए हैं और ऐसा लग रहा है कि इन दोनों में से ही कोई एक एलिमिनेट हो जाएगा। अब बारी आती है चौथे नंबर के कंटेस्टेंट की, तो चौथे नंबर पर कोई और नहीं बल्कि अविनाश है। तीसरे नंबर पर है जिया शंकर। जी हाँ, ये बड़ा फेरबदल देखने को मिला है क्योंकि पहले जिया दूसरे नंबर पर थी, लेकिन अब जिया को वोट कम मिल रहे हैं और जिया खिसक कर तीसरे पर पहुंच चुकी है क्योंकि दूसरे पर कोई और नहीं बल्कि आशिका है। जी हाँ, आशिका को पांडा गैंग का सपोर्ट मिलता हुआ भी नजर आ रहा है, यानी फुकरा इंसान के फैन भी आशिका को सपोर्ट कर रहे हैं। अब बारी आती है पहले नंबर पर कौन है, तो हर बार की तरह एलविश यादव पहले नंबर पर बने हुए हैं। तो यह है आज की रैंकिंग जिसमें बहुत बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। ऐसे में आपकी रैंकिंग क्या है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और बिग बॉस से जुड़ी हर एक लेटेस्ट न्यूज के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।